थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा। भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र बरामद तथा बनाने के उपकरणों सहित एक अभियुक्त की गिरफ्तारी के संबंध में रायबली क्षेत्र अधिकारी वन्ना सिंह के द्वारा प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी प्रदान की। हम आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव के कुशल नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी नगर वन्ना सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के संबंध में आज थाना कोतवाली नगर टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त सानू साकर पुत्र मुन्ना तूफान निवासी नई बस्ती गुलाब रोड थाना कोतवाली नगर जनपद रायबली को अवैध शस्त्र बनाते हुए भारी मात्रा में निर्मित अर्धनिर्मित अवैध शस्त्र तथा बनाने के उपकरणों सहित थाना क्षेत्र के रेती मोड़ के आगे कब्रिस्तान के पास गिरफ्तार किया गया, जिसके विरुद्ध थाना स्थानीय पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त गुलाब रोड थाना कोतवाली नगर जनपद रायबली का निवासी है और अवैध शस्त्रों की मरम्मत करके तथा बनाकर बेचने का काम लगातार करता था। उसके पास से एक अदद देसी तमंचा 12 बोर, एक अदद देसी तमंचा 315 बोर, 3 अदद तमंचा अर्धनिर्मित 12 बोर, 3 अदद अर्धनिर्मित नाल 12 बोर, 2 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, शस्त्र बनाने के उपकरण, चौकनी, निहाई, सिकंजा, ड्रिल मशीन, गैस सिलेंडर, बर्नर आदि चीजें बरामद की गई है। वही गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक पीयूष सिंह, उप निरीक्षक अनिल यादव, आरक्षी लाल प्रकाश दुबे, आरक्षी मनीष यादव, आरक्षी कपिल देव सहित अन्य लोग मौजूद थे। S7 के लिए मैं गौरव द्विवेदी मनीष वानपम के साथ। दिसंबर को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कोतवाली नगर पुलिस के द्वारा अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया और भारी मात्रा में निर्मित और अर्ध निर्मित अवैध शस्त्र बरामद किए गए। अवैध शस्त्रों के साथ अभियुक्त सोनू शाकर पुत्र मुन्ना तूफानी निवासी नई बस्ती गुलाब रोड गिरफ्तार किया गया है। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।